अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शानदार फीचर का बताऊंगा जिसमें को आप क्लिक करके एक ही जगह के ऊपर आपकी सारी असाइनमेंट, क्विज, GTP, जितने भी पेंडिंग हैं या फीस आपकी पेंडिंग है, वो आपको जस्ट एक क्लिक के ऊपर नज़र आ जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि आपको अगर आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं ग्रेडेड, वो चेक करने के लिए आपको LMS में जाना पड़ता है और हर सब्जेक्ट के अंदर जाके एक चीज़ को करना पड़ता है। लेकिन ये फीचर ऐसा है कि आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर अपनी सारी असाइनमेंट्स, क्विज, GTP चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ाहर सामने से अगर LMS को देखा जाए, अगर आप वो एक्टिविटी सबमिट भी करा दें लेकिन उसकी एक डेट बाकी हो तो तब भी वो हाईलाइट होता रहता है। लेकिन ये फीचर एक ऐसा है कि जहाँ पे अगर आपने सबमिट वो करवा दी एक्टिविटी, डेट अभी चाहे 2 दिन बाकी हैं लेकिन वो आपको वहाँ पे शो नहीं होगी। वहाँ पे सिर्फ वही एक्टिविटीज शो होनी है जो आपने अभी करनी है या पेंडिंग है। वो मैं तफसील से बताता हूँ आपको, बहुत शानदार फीचर है LMS का। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो वो शानदार फीचर ये है कि अभी आप सामने जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे इंग्लिश 502, 522 का एक GTP नज़र आ रहा है यहाँ पे, फिर MP3 501 GTP है, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश 501 GTP, बाद EU401 का GTP, और उसके बाद यहाँ पे क्विज़। तो अब मैं यार आपके जो असल में चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब यहाँ पे तो नज़र आ रहा है और आपने सबमिट भी कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैंने सबमिट कर दिया लेकिन वो अभी तक शो हो रहा है, ये यहाँ पे तो हाईलाइट हो रहा है EU401 का GTP। क्या वाकई जब वहाँ पे उसके रेलिवेंट पेज के ऊपर जाएंगे तो क्या वहाँ पे अभी वो सबमिट होना बाकी है या हो चुका है? अब जब हम यहाँ उस पेज पे आए हैं EU401 का GTP का जो पेज है, यहाँ पे देखें कि वो तो सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरह MGT501 का GTP देख लेते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक हाईलाइट हो रहा है, वन ऊपर उसके आ रहा है, किसका मतलब है कि GTP501 का आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें तो सबमिटेड है। तो इस तरह चीज़ें थोड़ी सी ना कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें डैशबोर्ड की तरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो फीचर है शानदार किस्म का, वो आपके LMS में होम पेज के उनके साथ सेकंड जो बटन है, टू डू कैलेंडर। ये मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, शानदार फीचर है। बजाय आप सारा LMS छानते फिरें, देखते फिरें, तो आप यहाँ पे आके अपनी चीज़ देख सकते हैं। इसके दो वर्जन हैं, एक तो क्लासिक है टू डू कैलेंडर, एक जो मेन पेज है, उसके बाद एक सेकेंड वर्जन है वो क्लासिक टू डू है। तो मुझे क्लासिक टू डू जो है ना, यहाँ पे डेट के मुताबिक बताई जाती हैं चीज़ें। जैसे EU401 असाइनमेंट है, ये 28 नवंबर को ओपन हुई थी और आप इसको चल रही है, यानी यहाँ पे डेट बता दी जाती है कि किस दिन तक वो की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिक टू डू है ये बहुत ही कमाल चीज़ है। अब इस कैलेंडर को तो हमारा एक सिंपल व्यू है, उसमें असाइनमेंट को और कलर दिया गया है, GTP को और कलर दिया गया है, क्विज को और तरह, इस तरह पेंडिंग फीस को भी एक और कलर दिया गया है। आप इसको मंथली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं और डे वाइज भी देख सकते हैं, यानी कि आज के दिन में 14 दिसंबर है तो अगर आप इसको डे पे क्लिक करें तो आपकी ये एक्टिविटीज़ होना बाकी है। तो हो चुकी है वो, यहाँ पे नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे आ जाएं, अब आ जाएं क्लासिक टू डू के ऊपर। शानदार फीचर, मुझे बहुत पसंद है। एक ही जगह पे ऊपर अब सारी चीज़ें एक प्रॉपर एक लिस्ट की शेप में नज़र आ जाती हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, होने वाली चीज़ें हैं ये आने वाली हैं। तो पीछे हम जब LMS होम पेज के ऊपर देखते थे तो हमें EU401 का भी एक GTP नज़र आ रहा था, एक MGT501 का GTP नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस
इस बटन के नीचे टू डू क्लासिक टू डू के अंदर सिर्फ वही चीज़ें बाकी हैं तो अभी आपने डन करनी है। तो ये बड़ा शानदार फीचर है। तो आज की वीडियो जो हमने बनाई थी वो इसी हवाले के ऊपर है कि जो शानदार बटन है आप इसको जस्ट LMS ओपन करें, सीधे इसके ऊपर आएँ टू डू कैलेंडर के ऊपर, और उसके बाद आप टू डू के ऊपर आएँ तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो ये था आज की वीडियो का मकसद, ताकि आप जल्दी से चीज़ों को एक ही जगह पे देख पाएँ और उसको सॉल्व कर सकें। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इसको ए वन डे लेफ्ट है, यानी अगर आप कल भी करना चाहें तो हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आवर लेफ्ट है, इसका मतलब है कि ये क्विज़ लाजमी होना बाकी है आज की तारीख में। तो यहाँ पे अगर होम पेज के ऊपर आए जैसे हम शुरू में देखा था तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो अनडू नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो होने वाली चीज़ है वो सिर्फ दो ही हैं। यहाँ देखें जी, एक दो तीन, के बाद ये चार और ये पांच, यहाँ पे पांच चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जो रियल शेप नज़र आ रही है वो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, उसमें भी आज की ड्यू 14 तारीख है, 14 दिसंबर, उसमें सिर्फ एक चीज़ होने वाली है और बाकी जो है वो कल। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इसका आपने किस तरह देखना है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो हमारी होगी एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्ज़ाम आपने किस तरह देना है। तो अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।